आज ये किस बात का सेलिब्रेशन किया जा रहा था? आज ये सेलिब्रेशन इस बात का किया जा रहा है कि जितने भी सुरक्षा कर्मी, डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मी हमारे लिए जुटे हुए हैं कि हम इन सब चीज़ों से बचे रहें। जितने भी मीडिया वाले हमको बताते जा रहे हैं कि हम इन चीज़ों में ना फंसे और सारी सावधानी बरतें, उन्हीं का आभार व्यक्त करने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि रविवार शाम 5 बजे सारे लोग इकट्ठे होकर ढोल बजाएंगे, थाली बजाएंगे, ताली बजाएंगे, किसी भी तरीके का साउंड प्रोड्यूस करेंगे। फायदा मिलेगा, इससे फायदा मिलेगा, सबको चीयर अप करने को मिलेगा, जितने डॉक्टर्स और सारे लोग इन सब कामों में लगे हुए हैं उनके लिए। ये आप लोग ये सेलिब्रेशन कर रहे थे, किस बात का सेलिब्रेशन है? ये जो फ्राइडे को मोदी जी ने 8 बजे जो एड्रेसिंग की है जनता को कि 5 बजे शाम को ताली बजाकर ये सब उनके लिए, जैसे आपके डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स, डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गई, स्टाफ हो गया, जन जो आपकी पुलिस हो गए, ये सब उनके लिए अप्रिशिएट करने के लिए हम लोगों ने ये सब कार्य कर लिया है, उनको मोदी जी द्वारा बताया गया था। आप एक युवा हो और युवा इस समय कोरोना वायरस को सीरियस नहीं ले रहा है, नहीं ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं ले रहा, सीरियस तो ले रहा है, लेकिन लोगों में डर नहीं है इस चीज़ का कि अभी फिरोज़ाबाद में नहीं हुआ, अभी यहाँ नहीं हुआ, तो अभी वो ये सब एहतियात नहीं बरत रहे, लेकिन जब सीरियस जब लेंगे, जब फिरोज़ाबाद में भी कुछ केसेस हो जाएंगे तब, लेकिन ये सब गलत है, ये सब पहले करने की प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, हर इंसान को लेने की ज़रूरत, ज़रूरी थोड़ी ना है कि अगर आपको नहीं हुआ तो किसी को नहीं होगा, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। पूरे फिरोज़ाबाद में देखा लॉकडाउन का बहुत पालन हो रहा है, क्या ये आगे और बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर लोग इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होंगे ना तो ये कम से कम ही लोगों के लिए फैलेगा। अगर ज़्यादा दूर बनाए रखें, घर में ही रहें, या कहीं ट्रांसपोर्टिंग बंद हो जाए, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग, ट्रेनें बंद हो जाएँ, डोमेस्टिक एयरलाइंस बंद हो जाएँ, तो इससे क्या है, लोगों का आगमन वगैरह बंद रहेगा, तो कम से कम ये फैलने की कम गुंजाइश है।